नमस्कार साथियों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल मिशन तैयारी। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम DU BEd जो पेपर्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उसकी जो सारी सीरीज़ लेके आएंगे, तो वी आर बैक विथ DU BEd 2020 पेपर। ये जो पेपर है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था आपके, और ये जो पेपर है ये शैरन फ्रांसिस ने हमें प्रोवाइड करवाया है, तो मिशन तैयारी के टीम के तरफ से उनको धन्यवाद कहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर में पैसेज है, तो हम बिना टाइम गवाए हुए इसमें इस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को कवर कर सकूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन था रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए पैसेज तो मैं पढ़ूंगा नहीं, बट आप इस मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप पैसेज को पढ़ सकें। और इस पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और फिर आंसर देख सकते हैं। तो दिस पैसेज, अब ये जिससे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिस पैसेज इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ कॉलेज प्रोफेसर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ बुलिमा ऑन यंग मेल्स। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है अ यंग मेल नेम्ड पेरी स्ट्रगलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ एनोरेक्सिया। तो आप अगर पैसेज पढ़ेंगे ध्यान से, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है अ कंसर्न्ड थेरेपिस्ट हु वर्क्स विद द स्ट्रगलिंग यंग एडल्ट्स। दूसरा वही जो पैसेज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पेरीज टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वेयर। तो कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बीइंग एन अनहैप्पी अचीवर एंड हिज पेरेंट्स रोल इन इंक्रीजिंग हिज मेंटल स्ट्रेन। थर्ड क्या है, थर्ड भी जो है क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड है, तो इसमें पूछा गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैसेज इज टू, थर्ड वाले में पूछा गया है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्क्राइब अ यंग मैन स्ट्रगल विथ एनोरेक्सिया एंड इन डूइंग सो प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस अ यंग पर्सन मे यूज टू डिफेंड एन ईटिंग डिसऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन भी जो है इसी पैसेज से रिलेटेड है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं एक पैसेज अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो फाइव क्वेश्चंस जो है इससे आप सही सही कर सकते हैं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट द पैसेज इज आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर यूज इन द सेंटेंस स्टार्टिंग ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ बट बीनीथ हिज एकेडमिक सक्सेस पेरी फेस्ड अ वर्ल्ड ऑफ ट्रबल्स एंड व्हाइल ही टुक अ व्हाइल टू गेट टू नो इवेंचुअली द प्रॉब्लम्स केम पोरिंग आउट। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इट इज़ अ मेटाफर, ये एक पोएटिक डिवाइसेस होता है, और ये आप इसको देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ द वर्ड इन एडवर्टेंटली मोस्ट नियरली मीन्स, तो आपको बताना है इसका मीनिंग बताना है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है मिसटेकनली। चलिए तो फिर अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू -4x+7 फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैथ से है, और इसमें क्या बोला है fx is equal to gx, जिसका मतलब 2x-5 is equal to -4x+7। तो अगर अब हम लोग 4x को उस साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 6x is equal to 12 which means x is equal to 12/6 that is x is equal to 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस कटिंग टू पॉइंट्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ + 3bx² + 3cx + d आर इंक्रीजिंग सक्सीडिंगली बाय अ कॉन्स्टेंट r,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू. तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें ट्रू है. तो ये जो ऑप्शंस है इसके हिसाब से कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2b³ - 3abc + a²d = 0. उसके बाद क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, कार्ड मार्क्स फ्रॉम 10 टू 50 आर पुट इन अ बॉक्स एंड गिवन अ थ्रू मिक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विद अ स्क्वायर्ड नंबर रिटन ऑन इट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईच कार्ड इज इक्वली लाइकली. तो देखिए पहली बात तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया. क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कार्ड्स हैं तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे. जैसे कि हमें देखा जाए कि 10 से लेके 50 तक कार्ड है तो 10 के पहले तो सब जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है, लेकिन 9 काउंट नहीं होगा क्योंकि कार्ड का नंबर मार्क कहाँ से है, 10 से लेकर के 50 तक. तो कौन कौन से नंबर्स मार्क होंगे, 16 मार्क होगा जो कि 4 का स्क्वायर है, फिर 25 मार्क होगा, फिर 36 मार्क होगा और 49 मार्क होगा. तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि प्रोबेबिलिटी में कितने जो आउटकम्स हैं वो कितने आएंगे, वो ऊपर में कितना आएगा, 4 आएगा, और नीचे कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स हैं 41. बिकॉज जो कार्ड का जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 से अगर आप काउंट करेंगे 50 तक इट काउंट्स टू अमाउंट्स टू 41. तो जो करेक्ट प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, 4/41. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 and 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द. तो आपको ऑप्शन पूछा, आपको पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट कौन सा होगा. तो इंटरनली आपको डिवाइड करना है, रेशियो दिया हुआ है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एक्स वाला जो होता है वो पॉजिटिव होगा और वाई वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा. फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ विंड मील द पावर जनरेटेड. तो जो विंड मील होता है उसमें पावर जो जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर इज मोर इन रेनी सीजन सिंस डैम्प एयर वुड मीन मोर एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स, या फिर डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी, या फिर कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोज टू द टावर. तो जो इससे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी. तो विंड जितनी ज़्यादा तेजी से चलेगी उतना ज़्यादा वो पावर जनरेट करेगा. सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर अ स्टेशनरी वेव. तो स्टेशनरी वेव के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो इसमें आपके 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. एवरी पार्टिकल हैज़ अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स नियरेस्ट पार्टिकल. ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशन एट द सेम टाइम. ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड. देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी प्लेन. देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज एट रेस्ट. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3, 1, 4, 7. तो जो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है, सी वाला, दैट इज ऑल द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड. ये है स्टेशनरी वेव का एक स्टेटमेंट जो सही है. उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, केपलर्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, या फिर फोर्थ वाला है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो जो इसका करेक्ट आंसर है, जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. फिर एट क्वेश्चन आता है. एट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साइंस में आपसे, कि इफ द मास ऑफ द सन वे 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी वेयर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फॉल्स. तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फॉल्स, कौन सा गलत हो जाता. तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, एयरप्लेन्स विल हैव टू ट्रेवल मच फास्टर, रेन ड्रॉप्स विल फॉल मच फास्टर, थर्ड वाला है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, फोर्थ वाला वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट. तो गलत कौन सा है इसमें,
गलत है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका एक रिलेशन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट G का वैल्यू अगर चेंज होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं एस्पार्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड और सैक्रिक एसिड, तो जिसका करेक्ट आंसर है तो विटामिन कौन सा है, यह है एस्कॉर्बिक एसिड। टेंथ वाला, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, द रीजन फॉर दिस इज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है AlCl3 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड विद एटमोस्फेरिक मॉइस्चर टू लिब्रेट HCl गैस विच अपीयर्स व्हाइट इन कलर। तो जो AlCl3 है वो पार्शियली क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर मिलता है उसको, और फिर वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस है HCl गैस है वो देता है जो कि वाइट कलर का होता है। उसके बाद देखिए 11th वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स NO दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O दैट इज गैस, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज वेदर इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिडॉक्स रिएक्शन और अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए और सी, मतलब कि जो इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई गिव्स पी, तो अब आपको बताना है कि एक्स एंड वाई कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीसीज एक्स एंड वाई आर करेक्ट, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए पी इज अ कंपाउंड, X and Y are compounds, C, X and Y are elements, D, P has a fixed composition, तो आपको देखना है कि इसमें सबसे जो हिंट है दैट इज X and Y cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction, यही आपके लिए एक हिंट है, ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सही होगा, इसमें जो सही है वो है A, comma C and D, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सी एंड डी, ये तीनों सही है, ए सी और डी, दैट इज पी जो है एक कंपाउंड है, एक्स और वाई जो है एलिमेंट है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो सबसे सिंपलर सब्सटेंस होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, और पी हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, क्योंकि किसी कुछ रेशियो में बनाया गया है, एक्स और वाई का कुछ रेशियो लेकर के पी को बनाया जाएगा, तो पी हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डैश आर स्टिमुलेटेड बाय ब्राइट लाइट एंड कैन डिस्टिंग्विश कलर बट दे डू नॉट फंक्शन इन नाइट विजन, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कोन्स, रॉड्स, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, तो अगर जिसको जिसने ये पढ़ा होगा ह्यूमन आई बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उनको पता होगा कि ये क्या होगा इसका जो सही जवाब, इसका सही जवाब होगा कोन्स, तो कोन्स जो है कब स्टिमुलेट होते हैं, जब ब्राइट लाइट होता है तब कोन्स स्टिमुलेट होते हैं, और जब हम किसी अंधेरे रूम में चले जाते हैं वहां पर रॉड्स सेंसिटिव होते हैं, और अंधेरे रूम में जाने के बाद हमें कुछ देर तो दिखता नहीं है, बट जाने के बाद हमें कैसे दिख, हमारे जो आंखों में एकोमोडेशन होता है और जो रॉड्स हैं आंखों में हमारे वो काम करते हैं, फिर हमें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, Which of the following components are seen in a slide of human cheek cell when observed under a microscope? 40x magnification. तो जो 14th वाला जो question है, कौन सा component दिखता है? तो क्या क्या दिखता है? आपको cell membrane दिखेगा, cytoplasm दिखेगा और nucleus दिखेगा.
15th क्वेश्चन, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमेशा आता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बायो मैग्निफिकेशन। तो हर बार जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है वो जो फूड चेन में ऐड होता चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। 16th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच ऑकर्स व्हेन द रेजिन्स आर सोक्ड इन वाटर। द प्रोसेस इज नोन एज, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये 10th के बुक में आपको मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला वाला है ऑस्मोसिस, दूसरा वाला है प्लाज्मोलाइसिस, तीसरा वाला है एंडोसाइटोसिस और फोर्थ वाला है डिफ्यूजन। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑस्मोसिस। 17th क्वेश्चन, ग्रीन कलर कोटिंग ऑन द कॉपर यूटेंसिल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं CuCO3, CuOH होल ट्वाइस, CuO और या फिर CuS। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज CuCO3, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। फिर 18th क्वेश्चन है, पीसेज ऑफ प्री वेड क्लोथ्स ऑफ सिल्क, नायलन, कॉटन एंड वुल ऑफ इक्वल मेजरमेंट आर टेकन एंड सोक्ड इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द क्लोथ पीसेज वर टेकन आउट ऑफ द बीकर एंड वेड अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्लेसेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फाइनल वेट। तो जिसका करेक्ट ऑर्डर है वो सब क्या लिखा हुआ है फाइनल वेट का, वो क्या है, वुल सबसे ज्यादा भारी होगा, फिर कॉटन, फिर सिल्क और सबसे हल्का क्या होगा, नायलन। फिर 19th क्वेश्चन, अ फूड सैंपल टर्न्ड ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, दिस सैंपल कंटेन्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार जो साइंस के स्टूडेंट है वो इजिली इसको आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर जो इसका आंसर है वो होगा स्टार्च। तो स्टार्च का ये टेस्ट भी है कि अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन किसी चीज में डालते हैं और वो इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, दैट मींस इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। 20th क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड। तो ये आप सीधा सीधा बता सकते हैं, इसका आंसर है डायलिसिस। और आप जानते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो फिर हम लोग उसको आर्टिफिशियल डायलिसिस करके देते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं डॉक्टर, जिससे जो उनके ब्लड्स जो है, जो ब्लड्स हैं वो प्यूरिफाई हो सके। उसके बाद 21th क्वेश्चन, 21 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बैन ऑन नेटवर्क ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर्स फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशंस, साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज, प्रमोशन ऑफ ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 and 3 ओनली। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर ऑफ फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशंस, साइंटिफिक कल्टिवेशन एंड सर्टेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज। उसके बाद है 22nd क्वेश्चन, एम के गांधी दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी चूज टू क्लोथ द होल नेशन इन खादी बिकॉज। तो ये सबको पता है क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, बट फिर भी चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है, इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन्स, इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन द क्लास, दोज हु वर डिप्राइव्ड बाय कास्ट नॉर्म्स वुड वेयर इट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, या फिर फोर्थ वाला क्या है, मोस्ट पीपल वेर इजली एबल टू टेक टू द सिंगल पीजेंट लॉइन क्लोथ्स एज ही गांधी हैड। तो जो इसका 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली। तो 1 वाला ऑप्शन क्या है, इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन्स, तो सभी लोग अगर खादी कपड़े पहनेंगे तो सभी लोग एक समान दिखेंगे। दूसरा क्या है, इट वुड बी अ मीन्स ऑफ इरेजिंग डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस, तो कोई अमीर हो गरीब हो अगर वो सेम खादी क्लोथ्स पहनता है तो क्या है, वो डिफरेंसेस मिट जाते हैं। तो गांधी जी ने इसीलिए ये खादी क्लोथ्स को मतलब पॉपुलराइज किया, ताकि जो पहला तो उनमें रिलीजन का जो डिफरेंस है, हिंदू मुस्लिम है या फिर जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं,
उसके डिफरेंसेस मिट जाए, उसके बाद जो क्लास का डिफरेंस है दैट इज गरीब अमीर उसका डिफरेंस भी मिट जाए। 23rd क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन द टू स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन क्या है, द सिस्टम ऑफ इंडेंटर्ड लेबर अनफोल्डेड एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी इन द 19th सेंचुरी। स्टेटमेंट टू क्या है, वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग एंड क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन लाइक चटनी म्यूजिक। तो जो 23rd है इसमें आपको क्या है ऑप्शंस, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। तो उसके बाद जो 24th क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाउ डू वी नो दैट ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, वी हैव विविड पोर्ट्रेयल ऑफ दीज बर्ड्स इन द पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, वी हैव पिक्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑन ऑस्ट्रिचेज इन दिल्लीज नेशनल म्यूजियम, और या फिर 4th, दे आर डिस्क्राइब्ड इन द मीमोज ऑफ अर्लीस्ट फॉरेन ट्रेवलर्स फ्रॉम अफ्रीका। तो जिसका सही जवाब है वो है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वेर फाउंड एट द पटनी इन महाराष्ट्र। 25th क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड बाय। तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 70th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही जवाब है वो है 42nd अमेंडमेंट। 26th, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पंचायती राज। तो पंचायती राज से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस से, और हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। तो जिसका सही जवाब है वो है इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि ये जो इलेक्शन होता है पंचायती राज का वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। 27th वाला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1952 इन्वॉल्व्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1952 में जो इलेक्शंस हुए थे वो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और किसका इलेक्शन हुआ था, आपके ऑप्शंस दिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट असेंबलीज, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 1952 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे साइमल्टेनियसली लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन साथ साथ हुआ था, और आप जैसा कि देख सकते हैं अभी भी कई बार न्यूज़ में आता है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने चाहिए, जैसे जो कि लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन कई बार पार्टीज बोलती है कि साथ में होना चाहिए ताकि कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं उससे एसोसिएटेड। उसके बाद 28th क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ एशिया एंड हैज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एब्सोल्युटली मोनार्की टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, वो कंट्री जिसकी जो चारों तरफ से जो बाउंड्री होती है किसी ना किसी कंट्री से घिरी होती है, जैसे कि आप देखेंगे नेपाल, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक है, ठीक है, चारों तरफ से जो जमीन अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है। तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ है इंडिया, इंडिया तो लैंडलॉक कंट्री है नहीं क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है तीन साइड से, उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी नहीं होगा वो भी एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, फिर है श्रीलंका, श्रीलंका तो खुद ही एक आइलैंड जैसा कंट्री है जो कि चारों तरफ से ही वो पानी से घिरा हुआ है, तो बचता क्या आपके पास ऑप्शन, भूटान, तो द करेक्ट आंसर इज भूटान। उसके बाद है 29th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो assertion क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज hardly felt एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। रीजन क्या दिया हुआ है, द longitudinal extent influences the duration of the day and night as we move from south to north. तो अब आपके जो करेक्ट आंसर है वो क्या दिया हुआ है, A is true and R is false.
तो assertion जो है वो सही है, but reason जो है वो गलत है। 30th question क्या बोलता है? Consider the following। आपके options दिए हुए हैं, temperature and moisture, latitude and altitude, slope and thickness of the soil, and direction of blowing of winds। The type and thickness of natural vegetation vary from place to place because of the variation in which of the above factors। तो किसी जगह का जो वेजिटेशन है वो वैरी करता है, हर जगह का वैरी करता है। इसमें आपको बताना है कि जो वेजिटेशन वैरी करेगा वो इनमें से कौन से रीजंस के वजह से होगा। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बी और सी ओनली। तो मतलब टेम्परेचर और मॉइस्चर होना चाहिए, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड से भी वो वैरी करेगा, और थर्ड जो है स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल से वैरी करेगा। ठीक है, अब 31st क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट टेम्परेचर्स इन द सब ट्रॉपिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट द इक्वेटर इज, तो जिसका करेक्ट आंसर है सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स इन द समर देन द इक्वेटोरियल। फिर उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, एल्प्स, अरावली, एपलेचियंस, हिमालय, यूराल और वोसिजिस। इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट है वोसिजिस। ठीक है, अब मैं जो है सीधा आपको आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अगर मैं आपको सारे ऑप्शंस बताता चलूँ तो क्या है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप इंटरेस्ट खो देंगे वीडियो में। तो अगर किसी को पूरा ऑप्शंस पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ जो है मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम पे मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ पीडीएफ। 33rd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय टेकिंग इट टू अ पॉइंट क्लोजर टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बट वुड नॉट शिफ्ट टू द फ्रंटियर कर्व। तो इसका जो सही जवाब है, अ पॉलिसी दैट इंकरेजेस फर्म टू ऑप्टिमली यूटिलाइज ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज। 34th क्वेश्चन क्या है, इफ द RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनिस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी दिस मीन्स दैट इट विल ऑफर कमर्शियल बैंक्स मोर क्रेडिट इन द ओपन मार्केट। 35th क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर द लास्ट 40 ईयर्स इन इंडिया। तो सेकेंडरी सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन GDP, अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए जो है वो फॉल्स है बट बी जो है वो ट्रू है। 36, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, ऑल मैन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, और या फिर सी देर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए एंड सी ओनली। तो ये ए वाला ऑप्शन है, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन और देर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ये दोनों सही जवाब है। द कंपोनेंट्स ऑफ मटीरियल कल्चर आर डैश एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको बताना है जो द कंपोनेंट्स ऑफ मटीरियल कल्चर आर, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटर्नल, इंटरनल, टेंजिबल। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए एंड सी, दैट इज एक्सटर्नल एंड टेंजिबल। 38th क्वेश्चन क्या है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस हु रोट द फेमस एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वॉज बॉर्न इन विच ईयर। तो इनका जन्म कब हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1766। 39th क्वेश्चन, द इवेल्युएशन ऑफ द बिहेवियर एंड बिलीव ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स अकॉर्डिंग टू वंस ओन कल्चर वैल्यू इज, इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज एथनोसेंट्रिज्म। 40th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज स्टडीड द रिलेशनशिप ऑफ सुसाइड विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर है इमिली डर्किन। 41st क्वेश्चन, विच वन वर्ड दैट इज सुटेबल फॉर बोथ सेंटेंसेस। सेंटेंस वन, द डैश ऑफ वुड सेलेक्टेड बाय द इंटीरियर डिजाइनर वॉज एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल। सेंटेंस टू, इट वॉज अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, इमिडिएटली द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ डैश टू डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू क्लेम द सिचुएशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है पैनल।
तो ये जो पैनल, जो शब्द है, जो वर्ड है, ये दोनों में यूज किया जा सकता है। 42nd क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। नाउ इट वॉज अलीज टर्न टू ट्रैवल डैश हु गैदर्ड एट एवरी स्टेशन डैश टू पैशनेट स्पीचेस। तो इसका जो सही जवाब है इसका है राउजिंग द क्राउड्स टू लिसन। अब क्वेश्चन नंबर 43 जो देख रहे हैं वो हिंदी में लिखा हुआ है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाई को किसने लिखा है? तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मृदुल ने, ठीक है। उसके बाद है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है, इसमें अलंकार है उपमा। उसके बाद है जोश मलिहाबादी इज फेमस फॉर हिज, तो जोश मलिहाबादी फेमस किसके लिए है? पोएम्स के लिए फेमस है। फिर 46 क्वेश्चन है रुबाई इज अ फॉर्म ऑफ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ डैश लाइन्स, तो कितना इट कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। हु रोट द पोएम कंबदी कलाई, तो किसने लिखा है ये? ये लिखा है भाई वीर सिंह ने। 48 क्वेश्चन क्या है? रासिदी टिकट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है अमृता प्रीतम की। 49th क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एरियाज हैव बीन एक्सप्लिसिटेड इन लीलावती रिटन बाय भास्कराचार्य, तो लीलावती जो लिखा है भास्कराचार्य ने वो उसमें क्या बताया गया है, उस कौन से सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है? उसमें डिस्कस किया गया है मैथमेटिक्स। 50वां क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मेघदूत, गीत गोविंद, रघुवंशम या फिर कुमार संभवा। तो जो बुक जो है जो कालिदास ने नहीं लिखी है वो है गीत गोविंद, बाकी जो तीनों बुक है मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवा ये लिखा है कालिदास ने। आपके उसके बाद सीरीज है कंप्लीट द सीरीज ADR VGN RJN NML, तो आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा JPJ। उसके बाद फिर मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इन द क्वेश्चन बिलो थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द कंक्लूजन 1, 2, 3 एंड 4। अगर किसी को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, तो कंक्लूजन कुछ निकाला गया है सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, सॉरी। तो आपको जो आंसर बताना है वो आंसर क्या है? आंसर है इसमें ऑप्शंस में ओनली 1 इज ट्रू। उसके बाद है ये जो साइन दिया हुआ है आपको लेस देन का, लेस देन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन, और ये इधर वाला दिया हुआ है इट रिप्रेजेंट्स लेस देन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इसका जो सही जवाब इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें जो कंक्लूजन निकाला गया है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। 54th क्वेश्चन में क्या है? द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड टेस्ट सेट, AST BRU NQV, तो जिसका जो करेक्ट जो राइट चॉइस होगा वो होगा OPW। तो अब 55th क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ 4 कंसिक्यूटिव इवन नंबर इज 27, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा ये इस नंबर का वो क्या होगा? 30। 56th क्वेश्चन क्या है? मंडे फॉल्स ऑन 20th मार्च 1995, व्हाट वाज द डे ऑन 3rd नवंबर 1994, तो ये कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक्स होते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो जो 3rd नवंबर 1994 होगा वो क्या होगा? इट विल बी थर्सडे। 57th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड पैन इज रिटन एज 31, पार इज रिटन एज 35, इन दिस कोड पैट इज रिटन एज,
तो पैट को क्या लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन एज 37। 58, इन अ क्रॉस कंट्री रेस रितेश इज बिहाइंड ललित बट अहेड ऑफ अमर, अमर इज अहेड ऑफ विकास, पंकज इज अहेड ऑफ अमर बट बिहाइंड रितेश हु इज एट द एंड। तो आप अगर इसको जनरली कॉपी में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं अभी, अगर उसको देखेंगे, उसको लिखेंगे कि कौन किसके पीछे है, और सिंपली एक चार्ट बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सही जवाब है वो है विकास। 59th क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फेस इज द ओनली हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो वुमेन कैसे रिलेटेड है, शी इज रिलेटेड एज सिस्टर। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 39। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12 एंड 12 प्लस 1 इज 13x, 13x इज इक्वल टू 39, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। फिर 61st क्वेश्चन, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और हम सोचते हैं कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर आर्ट स्टूडेंट जिन्होंने बीए किया है ग्रेजुएशन में, उनको लगता है कि मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो फटाफट उनको छोड़ के भागते हैं। बट डोंट डू दिस, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आप उसको देखिए ध्यान से, हो सकता है बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा हो, जैसे ये क्वेश्चन था अभी। उसके बाद है, गिवन बिलो आर वन क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर वन एंड टू, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड गिव द आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। स्टेटमेंट वन क्या दिया हुआ है, पॉइंट एस इज 5 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट पी, पॉइंट पी इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट क्यू इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। तो जिसका करेक्ट आंसर है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, द डेटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, रिया गोज 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट शी गोज 15 किलोमीटर, आफ्टर टर्निंग टू हर राइट शी अगेन गोज 30 किलोमीटर, हाउ फार एंड इन वॉट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। इसका सही जवाब है वो है 15 किलोमीटर ईस्ट। 63rd क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। कंक्लूजन क्या निकालना है, कंक्लूजन निकला है कि सम नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स, ऑल नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, जिसका सही जवाब है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। कंक्लूजन वन क्या बोला है, सम नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद 64th क्वेश्चन, विच सेंचुरी इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है, इट इज नेशनल चंबल सेंचुरी। उसके बाद है, और ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है घड़ियाल के लिए काफी ज्यादा फेमस है, वेन वॉज द इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन स्टैब्लिश्ड। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज जुलाई 1956। 66th क्वेश्चन, द सुपर कंप्यूटर परम वॉज डेवलप्ड बाई, तो किसने डेवलप किया था, IIT कानपुर, CDAC, IIT खड़गपुर या टाटा ने। तो इसको डेवलप किसने किया, CDAC ने। उसके बाद है 67th क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज, तो कौन था, इट वॉज कल्हान। तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू, तो ये कोस्टल बेल्ट है, ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पर शॉर्टेज होता है ड्यू टू सीपेज ऑफ सी वाटर। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनेस्को इन फरवरी 2020। तो वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट किसको मिला है 2020 में, जयपुर को मिला है। द पेपरलेस सेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिगैन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऐप, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था ई विधान।
विधान जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद। फिर उसके बाद 71st क्वेश्चन, फॉर विच वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड महात्मा गांधी से दैट वाइल ही गांधी वॉज फाइटिंग फॉर द इंडियाज पोलिटिकल फ्रीडम, द इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज फाइटिंग फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ये इनके बहुत खास मित्र भी थे। तो इसमें देखिए जो इसका सही जवाब है वो है जमशेद जी टाटा। 72 क्वेश्चन नंबर क्या है, उस क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू अ फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड फॉल इन द स्टॉक मार्केट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। तो ये क्या है, आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। ये जनरल डे टू डे क्वेश्चन रिलेटेड है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर सिंपल भी अपना दिमाग लगाएंगे उनको पता चल जाएगा। उसके बाद 73rd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप इन जनवरी 2022। तो ये कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। 74th क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज रैंक्ड एट द टॉप इन द ईयर 2019 फॉर क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो सब जानते हैं कि चाइना होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सेफ डिजिटल बैंकिंग, तो सेफ डिजिटल बैंकिंग का फीचर क्या है, यह ऑप्शन नंबर ए और सी, दैट इज रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल विद बैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन अलर्ट और चेंजिंग बैंक पासवर्ड रेगुलरली। फिर 76 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजिव डिटेक्शन हैज डेवलप्ड अ न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस नेम्ड एज। तो इसका नाम है वो है रेडर एक्स। 77th क्वेश्चन क्या है, अ बॉय ऑफन कंप्लेन्स ऑफ पुअर सेंस ऑफ नंबर्स एंड इज नॉट एबल टू डू सिंपल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी ही मस्ट बी लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो ये किससे सफर करता है, डिसकैल्कुलिया। 78, नेम द एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन से हमारा जो ब्रेन का कौन सा एरिया रिलेटेड है, इट इज लिम्बिक सिस्टम। 79th क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रेन हु हैव मार्क्ड डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट आर रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रूटीन मे हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 80th क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ एनी ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा इज टू। तो ये क्या है, इंक्रीज्ड वेट टू नॉर्मल लेवल्स। अब उसके बाद ये हिंदी का सेक्शन आ गया है। तो हिंदी का सेक्शन को अगर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इसको पढ़ ही सकते हैं पॉज कर करके। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ गया, हिंदी वाला क्वेश्चन पहला आ गया। इसमें भी सबसे पहले पैसेज है, इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश में दहलीज शब्द का प्रयोग प्रयोग के डैश के रूप में हुआ है, किसके रूप में हुआ है, दहरी। उसके बाद है लचीला शब्द उदाहरण है डैश का, तो किसका उदाहरण है, लचीला विशेषण का। फिर उसके बाद है क्वेश्चन में पूछा गया है बहुवचन शब्द में बहु क्या है, बहु क्या है, ये एक उपसर्ग है। उसके बाद है स्कूलों में कामकाजी बच्चों को भी स्थान देने के लिए किस पुरस्कार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, ये आवश्यकता है समतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की। उसके बाद फिर से एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज देख सकते हैं आप, ये बीएड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप रोक करके पैसेज को चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा 30 सेकंड तक इस पैसेज के पास ही स्क्रॉल करता रहूँ ताकि आप ध्यान से इसको देख सके पैसेज। और ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है, अगर पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ा है, दिमाग लगा के पढ़ा है, तो ईजिली आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है थोड़ा खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं कि ऑप्शंस देख करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जनरल पैसेज में, क्योंकि कोई गलत चीज़ तो गंध्यांश में होगा नहीं,
तो जनरल आंसर्स भी होते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है, उपयुक्त गंध्यांश, गंध्यांश गंध्यांश में प्रयुक्त हुए शब्द शिक्षुता का अर्थ है। शिक्षुता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था। उसके बाद क्वेश्चन है, उपरोक्त गंध्यांश में भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित में से किस रूप में परिलक्षित नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है, यह बाल श्रमिक जैसे व्यवस्था का खात्मा करता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में है, शिल्प कौशलों में प्रशिक्षण को औद्योगिक परीक्षण के रूप स्थापित करने के लिए करना होगा। क्या करना होगा? उनको करना होगा सांस्थानिक वृत्ति की व्यवस्था। फिर आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, औपचारिक स्कूली शिक्षा शिल्पकायों के बच्चों को भविष्य में जीवक को पार्जन के योग्य बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि क्योंकि राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असक्षम है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन में है, औपचारिक स्कूली शिक्षा शिल्पकारों के बच्चों को भविष्य में जीविका पुनर्जन के योग्य बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि क्योंकि कौशल कौशल सिखाने के बहाने बात भूमिका की परंपरा स्थापित करना। फिर देख सकते हैं फिर से एक पैसेज आ गया है, इस पैसेज को आप रोक के पढ़ सकते हैं एज इन, ठीक है। और अब पैसेज में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑथर हैज यूज द एनालॉगी ऑफ बाइक राइडिंग टू टॉक अबाउट द वाइट प्रिविलेज फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। तो क्या है, दैट्स एज यूजफुल एज रीअरेंजिंग डेक चेयर्स ऑन द टाइटैनिक, ये एक एनालॉगी है। फिर इसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है, टॉक अबाउट वाइट प्रिविलेज हैज द पर्पज ऑफ मेकिंग मॉरल असेसमेंट अबाउट द वाइट्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द ऑथर इन द पैसेज, तो कौन सा इम्प्लाइड नहीं है, वाइट पीपल कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वाइट प्रिविलेज। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विराट कोहली इज नोन फॉर इज हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द अपोनेंट ऑन फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज कैन बी बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, एग्रेशन, डिफेंसिवनेस, फ्रस्ट्रेशन या रेसिज्म। इसका सही जवाब है एग्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइक राइडिंग, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, रोड्स आर बिल्ट फॉर ऑटोमोबाइल ओनर्स, पीपल इंटेंशनली एंडेंजर द लाइफ ऑफ द बाइक राइडर्स, लॉज ऑन द बुक्स आर नॉट इक्विटेबल आफ्टर ऑल, या फोर्थ वाला, बाइक राइडर्स गेट येल्ड एट फ्रॉम बोथ पेडेस्ट्रियंस एंड ऑटोमोबाइल ओनर्स। इसका जो सही जवाब है वो है पीपल इंटेंशनली एंडेंजर द लाइफ ऑफ द बाइक राइडर्स। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। और पेपर का जो पैटर्न है, अगर आप कंपेयर करें 2016 का पेपर जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है और 2020 का जो पेपर है, आप देख सकते हैं देयर इज अ क्वाइट ह्यूज डिफरेंस। तो पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट चेंज होता आ रहा है और चेंज हो चुका है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने आप अपने तैयारी को एक डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू, नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 6,000 सब्सक्राइबर्स। और अगर इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस करें और इस पेपर को देखें और बीएड में सेलेक्शन लें। धन्यवाद।